हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद न्यू चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स तो इससे पहले कि हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि पीरियोडिक टेबल में कार्बन किस तरह से एग्जिस्ट करता है अगर आप इसको ध्यान से देखो तो कार्बन एटॉमिक मास 12 और एटॉमिक नंबर 6 रखता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन टू फोर का होता है दैट मीन्स फोर क्या हो गया फोर इज द वैलेंसी और क्योंकि ये चार वैलेंसी रखता है इसलिए हम इसे टेट्रावैलेंट कहते हैं सो द कार्बन इज टेट्रा वैलेंट इन नेचर इसके इसी टेट्रा वैलेंसी नेचर की वजह से इसका जो थ्री डी स्पेस में शेप होता है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रखता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बेसिकली हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड एंगल लाता है जो कि 109 डिग्री 28 मिनट्स का होता है या फिर इसे थोड़ा इजी वे में अगर हम बात करें तो ये 109.5 डिग्री का होता है सो बेसिकली कार्बन क्या है इट्स अ नॉन मेटल एग्जिस्टिंग इन सेकेंड पीरियड एंड फोर्टींथ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल नॉर्मली हम इसे कार्बन फैमिली के नाम से जानते हैं लेकिन इसका एक और भी नाम है क्रिस्टेलोजेंस और ये जो ग्रुप है इसमें मेटेलॉयड्स होते हैं जैसे सिलिकन जर्मेनियम ना केवल ये मेटेलॉयड्स हैं बल्कि ये सेमी भी होते हैं ठीक है तो बेसिकली कार्बन हमारे आसपास की सराउंडिंग में अर्थ क्रस्ट में और एटमॉस्फेयर में देखा जाता है सो कार्बन दैट इज प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज़ अराउंड जीरो पॉइंट जीरो परस जीरो टू परसेंट एज मिनरल एंड जीरो पॉइंट जीरो थ्री परसेंट एज सी ओ टू इन एटमोसफियर तो जितने भी हमारे आस पास में लिविंग थिंग्स हैं जैसे प्लांट्स एनिमल्स ये सभी कार्बन से बने हुए हैं और इसलिए हम इसके लिए एक डेफिनेट वर्ड यूज करते हैं ऑर्गेनिक्स तो एनी सब्सटेंस वेन बर्नड इन एयर विच गिव सी ओ टू विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की एंड कंटेनिंग कार्बन एज देयर बेसिक कॉम्पोजिशन आर एक्चुअली द ऑर्गेनिक्स ठीक है तो कार्बन एटम्स कैन अचीव द इनट गैस कन्फिग्रेशन ओनली बाई शेयरिंग एलेक्ट्रॉन इसलिए कार्बन को बड़े ईजिली ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की क्षमता मिल जाती है सिंस कार्बन आइटम रिक्वायर्ज ओनली फोर इलेक्ट्रॉन टू अचीव द एट इलेक्ट्रॉन इनर्ड गैस स्ट्रक्चर देयर फोर वैलेंसी ऑफ कार्बन इज फोर और इसकी अपनी एक खास प्रॉपर्टी है दैट इज सेल्फ कंबाइनिंग एबिलिटी जिसकी बदौलत ये लंबे लंबे चेन कंपाउंड बड़े आराम से बना लेते हैं इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कैटीनेशन प्रॉपर्टी सो द फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड मेक्स दिस कार्बन कंपाउंड मोर स्टेबल और यही वजह है कि इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी की बदौलत ये बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग और बड़े बड़े नेटवर्क स्ट्रक्चर्स बना लेता है नो लेट्स सी समथिंग मोर अबाउट दिस कार्बन तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन अब ये एलोट्रोप क्या होता है एन एलिमेंट विच कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स दे आर कॉल्ड एलोट्रोप्स कार्बन के केस में तीन एलोट्रोप्स हैं डायमंड ग्रफाइट बकमिंस्टर फुलरिंग सबसे पहले डायमंड के बारे में देखते हैं डायमंड क्या है कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है काफ़ी हार्ड होता है अपियरेंस वाइज और ये बैड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के साथ अगर हम इसे जलाते हैं तो एक काला धुआं निकलता है जिसे ब्लैक सूट के नाम से जाना जाता है और साथ ही सी साथ सीओ टू गैस रिलीज होता चला जाता है अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो ये भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखता है जिसका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है हालांकि ये काफ़ी बड़ा मॉलिक्यूल है और एक दूसरे के साथ नेटवर्क कोवेलेंट स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ है इस वजह से भी डायमंड काफ़ी हार्डेस्ट सब्सटेंस में से एक माना गया है ठीक है दूसरी चीज कि इस केस में सभी कार्बन बाकी के चार कार्बन आइटम से जुड़े हुए हैं तो हर एक कार्बन के अगले चार कार्बन एटम्स के साथ जुड़े होने की वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री नहीं पाया जाता इसलिए ये बैड कंडक्टर भी है या यूं कह लीजिए कि दे आर नॉन कंडक्टर्स अब इसी का दूसरा एलोट्रो कार्बन का दैट इज कॉल्ड एज द ग्रेफाइट अगर हम इस ग्रेफाइट के बारे में देखें तो दे आर ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंसेस एंड लाइटर दैन डायमंड सॉफ्ट होता है स्लिपरी टू टच होता है इजिली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और अगर हम इसे भी जलाएं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ये भी काला धुआं देता है दैट इज ब्लैक सूट एंड सीओ टू इज रिलीज इसका जो स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर है हालांकि डायमंड का क्या था इट वॉज टेट्राहेड्रल यहाँ पे ग्रेफाइट में यह हेक्जागोनल लेयर स्ट्रक्चर होता है एंड ईच कार्बन आइटम इज अटैच टू थ्री अदर कार्बन आइटम जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है डायमंड और ग्रेफाइट में डायमंड में हर एक कार्बन चार अदर कार्बन आइटम से जुड़ रहा था यहाँ पे एक कार्बन तीन अलग अलग कार्बन आइटम से जुड़ता है जिसका मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन फ्री है और ये एक इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ग्रेफाइट के, के केस में उसकी मोबिलिटी का कंडक्टिविटी का जिसकी वजह से ईजीली वो आराम से किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंट में कंडक्शन पास करने में सफलता प्राप्त पा लेता है ओके नॉलेट सी इट्स डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर अगर हम इसके डायग्राम को देखें तो सबसे पहले मैंने डायमंड का बनाया है जिसमें सेंट्रल कार्बन इज अटैच विद फोर अदर डिफरेंट कार्बन आइटम्स और फिर वो आगे हर एक अलग कार्बन के साथ जुड़ रहा है सो दिस मेक्स इट अ स्ट्रांग कोवलेंट बॉन्ड एंड ड्यू टू दिस द डायमंड बिकम्स वेरी रिजिड जो दूसरा डायग्राम मैंने बनाया अगर आप यहाँ पे देखो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है और उसके नीचे फिर मैंने अगला हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाया बीच में एक गैप दिखाया है जो कि लेयर वन और लेयर टू को मैंने दिखाया क्योंकि ग्रेफाइट लेयर वाइज अरेंज है और इनके बीच में ये जो गैप है दे आर बिकॉज ऑफ वीक वॉल्स फोर्स जो उनके बीच में एग्जिस्ट करता है सो ड्यू टू दिस ईच इलेक्ट ईच कार्बन इज हैविंग वन इलेक्ट्रॉन फ्री और इस वजह से ये ईजीली कंडक्टिविटी को शो करते हैं नाउ अवर थर्ड एलोट्रोप इज बकमिंस्टर फुलरिन इट कंटेन्स क्लस्टर्स ऑफ सिक्सटी कार्बन एटम्स करीब करीब साठ कार्बन एटम्स हैं ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म स्फेरिकल मॉलिक्यूल इट इज फुटबॉल शेप्ड स्ट्रक्चर हैविंग हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स इंटरलॉक्ड विद ईच अदर तो ये आपस में जुड़े हुए हैं अगर आप एक फुटबॉल को देखो तो उसमें भी पेंटागोनल और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं ठीक है सि अब इसका नाम कहां से आया दिस नेम वॉज गिवेन ड्यू टू द स्ट्रक्चर विच रिजेंबल्ड द फ्रेमवर्क ऑफ डोम शेप्ड हॉल डिजाइंड बाई फुलर फुलर एक इंसान थे एक बेसिकली इन्होंने एक तरह का डोम शेप्ड हॉल बनाया था जो कि लगभग कुछ उसी तरह से दिख रहा था जैसा कि हमें कार्बन के इस एलोट्रोप को माइक्रोस्कोप से देखे जाने पर दिखा इसलिए इसका नाम फुलर ही रखा गया क्योंकि उसका पूरा उस बंदे का पूरा नाम बकमिंस्टर फुलरीन था सो इट इज अ डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर नाइदर वेरी हार्ड नॉट वेरी सॉफ्ट और ये भी जलाने पर फिर से ब्लैक सूट देता है और साथ ही साथ CO2 गैस को रिलीज करता है ओके नाउ लेट्स सी द हाइड्रोकार्बन अब क्योंकि हम ऑर्गेनिक्स में आ चुके हैं कार्बन के बारे में जानकारी ले चुके हैं लेट्स मूव

इसमें अल्केस आ जाते हैं बेसिकली अल्केस में एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे मीथेन सी एच फोर ईथेन सी टू एच सिक्स प्रोपेन सी थ्री एच एट ब्यूटेन सी फोर एच टेन अगर हम एक स्ट्रक्चर देखें तो फिर से वही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट्स का बॉन्ड एंगल होता है अलकेन का अपना एक कॉमन नेम है दैट इज पैराफींस और इसका एक जनरल फार्मूला है सी एन एच टू एन प्लस टू जहाँ पे एन क्या शो कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसकी अपनी एक हाइब्रिडाइजेशन है एस पी थ्री जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाया है सी एन एच टू एन प्लस टू के फार्मूले को अगर हम लगाते हैं ब्यूटेन के लिए जब सी फोर है तो दैट मीन्स सी फोर और एच हो जाएगा टू इन टू फोर प्लस टू दिस बिकम्स सी फोर एच एट प्लस टू दैट मीन सी फोर एच टेन तो ये आ गया हमारा जनरल फॉर्मूला ब्यूटेन के लिए इसी तरह से अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन जो कि दो कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो वो अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है जनरली ये शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन या थ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को भी पेट्रोलियम क्रैकिंग प्रोसेस से ही ऑप्टेन किया जाता है ओके नाउ लेट्स टॉक समथिंग फॉर्द अबाउट जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है अल्कीन एंड अल्काइंस अल्किन्स क्या होते हैं अनसेचुरेट हाइड्रोकार्बन जो कि दो कार्बन आइटम्स के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड की बदौलत आता है अल्कीन का अपना एक कॉमन नेम है ओल्फीन्स इसका अपना एक जनरल फार्मूला है सी एन एच टू एन जहां पे एन फिर से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है इसका हाइब्रिडाइजेशन एस पी टू है बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है मैंने स्ट्रक्चर में भी शो किया है बॉन्ड एंगल को अगर हम एक एग्जांपल लें ब्यूटीन यानी कि चार कार्बन की तो जनरल फॉर्मूले के हिसाब से सी एन एच टू एन मीन सी फोर हो गया और एच टू इन टू फोर यानी सी फोर एच एट आ गया अगला अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है अल्काइंस इस केस में क्या होता है दो कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है यानी कि अल्काइन जो है उसका अपना एक कॉमन नेम है एसिटाइलिन्स और इसका अपना एक जनरल फॉर्मूला है सी एन एच टू एन माइनस टू जहाँ पे एन फिर से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है इस केस में हाइब्रिडाइजेशन एस पी है बॉन्ड एंगल वन एट्टी डिग्री का है यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल देखें ब्यूटाइन का तो यानी सी फोर और इस बार फॉर्मूला अगर हम पुट करें सी एन एच टू एन माइनस टू तो इस तरह से ये बनता है सी फोर एच एट माइनस टू यानी सी फोर एच सिक्स अब क्योंकि मैं बार बार ब्यूटाइन की बात को रख रहा हूँ तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि कार्बन्स के नंबर को किस तरह से नेम किया गया है अगर नंबर ऑफ कार्बन एक है तो उसे हम मैथ कहते हैं अगर दो है एथ कहते हैं तीन है प्रॉप कहते हैं चार कार्बन है तो ब्यूट कहते हैं पाँच कार्बन है पेंट कहते हैं छे कार्बन है तो उसे हेक्स कहते हैं इसी तरह से अगर उसमें सात कार्बन आ जाए तो हम उसे सेप्ट या फिर हेप्ट कहते हैं आठ कार्बन आ जाए तो ऑक्ट नाइन कार्बन आ जाए तो नॉन और दस कार्बन आ जाए तो उसे डेक कहते हैं ओके तो बेसिकली इसमें हमने अल्केन अल्किन और अलकाइन के बारे में जाना तो लेट्स सी समथिंग मोर कि इनके सफिक्स नेम क्या हैं अल्केन्स में जब भी हम सफिक्स नेम की बात करते हैं लास्ट में ए एन ई जुड़ता है यानी एन तो किसी भी कार्बन एटम के साथ सफिक्स नेम को ऐड किया जाता है जैसे ब्यूटेन चार कार्बन आ गया उनके बीच में सिंगल कोवेलन बॉन्ड आ गया हेक्जेन छह कार्बन आ गया उन सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया फिर आता है एल्किन्स सफिक्स नेम ई एन ई यानी इन किसी भी कार्बन के साथ सफिक्स नेम को ऐड कर दिया जाता है जैसे प्रोपीन तीन कार्बन है और वहां पे डबल बॉन्ड लग गया तो ये नाम हो गया प्रोपीन इसी तरह से पेंटीन पांच कार्बन है उनके बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है तो पेंटीन फिर नेक्स्ट आता है अल्काइंस सफिक्स नेम वाइनी यानी आइन इथाइन है दो कार्बन यानी कि इथाइन के नाम से जाना जाएगा ट्रिपल बॉन्ड आ गया दो कार्बन के बीच में प्रोपाइन यानी तीन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो इसे हम प्रोपाइन कहते हैं नाउ क्योंकि हम नाम की बात कर रहे हैं तो लेट्स टॉक अबाउट द नोमिनक्लेचर लेट्स सी नोमिनक्लेचर क्या होता है इन ऑर्डर टू नोमिनक्लेट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आई यू पी वॉज ऑर्गेनाइज अब ये आई यू पी सी क्या है दिस स्टैंड फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री आई पी एस सी को पहली बार इसलिए रखा गया था सामने ताकि जो कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहे थे नाम को लेके उसे दूर किया जा सके और एक जैसा नाम पूरे विश्व में हर जगह पे फैलाया जा सके तो हम शुरुआत कर रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के साथ इसके लिए कुछ रूल्स हैं सबसे पहली चीज क्या देखना होता है लॉन्गेस्ट चेन विद नंबर ऑफ कार्बन एटम इस चेक सबसे पहले हमें कार्बन एटम का जो चेन दिया जाता है उसमें कितने कार्बन हैं सबसे पहले सबसे लंबा कार्बन चेन देखा जाता है अब यहाँ पे जैसे मैंने एट कार्बन एटम्स बनाया तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे सीधे अगर हमें दिया गया है, तब तो अच्छी बात है अगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके भी दिया गया है, तो भी हमें सबसे पहले उसे सीधा करना है और फिर उसे नंबरिंग कर देना है एक बार जब ये हम नंबरिंग कर देते हैं फिर हमें उसमें हाइड्रोजन प्लेस करना है जैसे मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन प्लेस किया ध्यान ये रखना है कि हर कार्बन की अपनी चार वैलेंसी होती है अब यहाँ पे एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में ऑलरेडी एक सिंगल बॉन्ड था यानी इसके पास तीन और आ सकते थे तो इसलिए तीन हाइड्रोजन आ गए सेकेंड कार्बन का ऑलरेडी फर्स्ट और सेकेंड के साथ बॉन्डिंग है यानी दो ही हाइड्रोजन और जा सकता था इसी तरह से ये कंटिन्यू होता हुआ हर एक कार्बन की आपको टेंट्रा वैलेंसी का ध्यान रखना होता है इसके बाद आपने ये करेक्ट किया है कि नहीं आप वो खुद भी देख सकते हो मॉलिकुलर फार्मूला लगा के जनरल फार्मूला जो कि अल्केन का होता है सी एन एच टू एन प्लस टू आपने आठ कार्बन रखा है तो हाइड्रोजन कितने आने चाहिए एटीन तो आप यहाँ पे अगर करेक्ट हाइड्रोजन डाले हो तो वो एटीन ही आएगा वंस यू हैव प्लेस्ड ऑल द कार्बन करेक्टली एंड हाइड्रोजन यू हैव रिप्लेस करेक्टली फिर आप उसको नाम दे सकते हैं आठ कार्बन को हम क्या कहते हैं ऑक्टेन क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है हर एक कार्बन के बीच में इसलिए लास्ट में ए एन ई लग गया ओके नाओ लेट्स फ्यू एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे आपके लिए एक छोड़ कर रखा है एग्जाम्पल लेट्स अब यहाँ पे अगर आप देखो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हाइड्रोजन को प्लेस कर लेंगे एक दो तीन इससे क्या हुआ इस कार्बन की वैलेंसी फिल हो गई हम यहाँ पे भी हाइड्रोजन प्लेस कर सकते हैं इसी तरह से यहाँ पर भी हम हाइड्रोजन प्लेस कर सकते हैं इस तरह से यहाँ पे भी तीन हाइड्रोजन आ गए अब इसका नाम क्या हो जाएगा कितने कार्बन हैं एक दो तीन चार तो ये इसका नाम हम लिख सकते हैं एन ब्यूटेन ठीक है सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप चाहोगे तो हाइड्रोजन को सबसे पहले प्लेस कर लो इस केस में दो आ जाएगा यहां पर भी दो हाइड्रोजन यहां पर भी दो हाइड्रोजन इस केस में तीन हाइड्रोजन आ जाएंगे कार्बन कितने हैं एक दो तीन चार पांच और इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल पेंटेन ठीक है अब इसी तरह से हम अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए अगर हम बात करें जैसे एल्किन्स तो एल्किस में सबसे पहले मैं क्या करना होगा काउंट द लॉन्गेस्ट स्ट्रेट है सबसे पहले फिर से वही चीज़ है लंबा चेन कितना है कार्बन में वो देखना है और फिर नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स सच दैट पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड इज लोएस्ट हमें नंबरिंग करनी है कार्बन आइटम्स की इस तरह से कि डबल बॉन्ड की पोजिशन छोटी आए अगर आप यहाँ देखो तो डबल बॉन्ड इस तरफ से स्टार्ट हो रहा था इसलिए नंबरिंग मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और चार कार्बन है तो क्या नाम हो जाएगा ब्यूट वन इन वन क्यों क्योंकि वन और टू के बीच में डबल बॉन्ड है तो जो नंबर छोटा है हम उस नंबर को लेते हैं ये हो गया ब्यूट वन इन या फिर हम इसे नॉर्मल ब्यूट भी कह सकते हैं इसी तरह से मान लीजिए कि डबल बॉन्ड कहीं बीच में आ रहा हो जैसे यहां पे मैंने पांच कार्बन का एग्जाम्पल लिया है जिसमें डबल बॉन्ड बीच में आ रहा है टू और थ्री के बीच में अगर हम नंबरिंग इधर से कर रहे हैं थ्री और फोर के बीच में अगर हम नंबरिंग इधर से कर रहे हैं तो करेक्ट फॉर्म ऑफ नंबरिंग कौन सा है जिधर से हमारे डबल बॉन्ड की पोजीशन छोटी आ रही है क्योंकि यहाँ से टू और थ्री के बीच में आ रहा है यानी कि हमारा नाम इस कंपाउंड का क्या हो जाएगा पेंट टू इन क्योंकि पांच कार्बन है इसलिए पेंट टू और थ्री के बीच में डबल बॉन्ड है इसलिए टू इन या फिर सीधे सीधे टू पेंट अब मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए रखा है जैसे यहाँ पर अगर आप चाहो तो हम हाइड्रोजन प्लेस कर लेते हैं एक दो तीन यहाँ आ गया एक ही आएगा यहां पे क्योंकि एक दो तीन चार ऑलरेडी फिल है इस केस में भी सिर्फ दो ही हाइड्रोजन प्लेस हो सकते थे तो नंबरिंग कहां से होगी वन टू थ्री तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्रॉप वन इन या फिर नॉर्मल प्रोपीन इसी तरह से दूसरा वाला आप देखिए यहां पे भी हम हाइड्रोजन प्लेस कर सकते हैं एक दो तीन यहां पे एक ही आएगा यहाँ भी एक आएगा एक दो तीन नंबरिंग वन टू थ्री फोर तो ये चार कार्बन है चार कार्बन यानी कि ब्यूट पोजीशन टू और थ्री के बीच में है टू छोटा इसलिए टू इन तो ये हो गया ब्यूट टू इन ठीक है ओके अब अल्किन्स के बारे में हमने समझ लिया लेट्स सी अबाउट अल्काइंस अल्काइंस के केस में भी इसी तरह से हमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन को काउंट करना होता है और फिर उसकी नंबरिंग करनी होती है सर्च दैट की ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन छोटी है जैसे यहाँ पे मैंने प्रॉप वाइन वन आइन लिखा है यानी कि वन और टू के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए प्रॉप वन आइन हो गया या फिर नॉर्मल प्रोपाइन लिख दिया फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने ट्रिपल बॉन्ड को बीच में डाला है तो ये टू और थ्री के बीच में आ रहा है अगर नंबरिंग इधर से कर रहे हैं फोर और थ्री के बीच में आ रहा है अगर हम नंबरिंग इधर से कर रहे हैं तो जिस तरफ से नंबरिंग छोटी आती है वो करेक्ट नंबरिंग का फॉर्म होता है इसलिए इसका नाम क्या हो गया पांच कार्बन इसलिए पेंट टू और थ्री के बीच में ट्रिपल बॉर्ड इसलिए टू आइन तो ये हो गया पेंट टू आइन आइए एक एग्जाम्पल रखा है मैंने आपके लिए इसको करके देखते हैं एक दो तीन हाइड्रोजन प्लेस कर लिया यहाँ पे हाइड्रोजन आएंगे नहीं दो तीन कितने कार्बन हैं एक दो तीन चार तो ये हो गया ब्यूट वन टू थ्री फोर तो टू और थ्री के बीच में आ रहा है तो ये हो गया ब्यूट टू आइन ओके ओके तो जब भी अल्कीन और अल्काइन एक साथ आ जाए तो उसके लिए भी हम नॉमिनक्लेचर करते हैं जिसमें ध्यान क्या रखना होता है कि प्रायोरिटी अल्कीन की ज्यादा होती है एज compared टू अल्काइन तो जब भी अल्कीन और अल्काइन एक साथ आए तो हमारी नंबरिंग उस तरफ से शुरू होगी जहां से कि डबल बॉन्ड की position छोटी हो जैसे मैंने यहां example में दिया है नंबरिंग अगर हम इधर से कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड की position टू और थ्री के बीच में आ रहा है लेकिन अगर नंबरिंग इधर से करते हैं तो थ्री और फोर के बीच में आ रहा है यानी कि टू और थ्री छोटा है यानी ये करेक्ट नंबरिंग फॉर्म है तो नाम क्या हो जाएगा पांच कार्बन है इसलिए पेंट टू और थ्री के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है इसलिए टू इन ट्रिपल बॉन्ड फोर और फाइव के बीच में आ रहा है फोर आई लिखते टाइम ई पहले आएगा वाई बाद में आएगा क्योंकि अल्फाबेटिकल फॉर्म में ई पहले आता है वाई बाद में आता है तो इस चीज का ध्यान रखना है लिखते टाइम इन पहले आइन बाद में लिखा जाएगा अब ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया था जिसमें हम हाइड्रोजन को प्लेस कर लेते हैं एक दो तीन एक दो यहाँ पे एक यहाँ पे एक एक दो और तीन हाइड्रोजन ठीक है अब अगर हम इसकी नंबरिंग देखें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन थ्री फोर आ रहा है और अगर हम इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो फोर और फाइव आ रहा है यानी थ्री और फोर करेक्ट है तो इसका नाम क्या हो जाएगा कितने कार्बन है सात यानी कि हेप्ट थ्री फोर के बीच में है थ्री इन और बॉन्ड फाइव सिक्स के बीच में है तो फाइव आइन ठीक है तो ये हो गया इसका नोमिट्रेचर तो होप कि आपको ये समझ में आ गया है अच्छे से थैंक यू